महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। उद्धव सरकार अपने ही फैसलों को लेकर घिरती जा रही है। राज्य में कोरोना का कहर जारी है। इस बीच उद्धव सरकार ने अनलॉक करते समय फिल्मों की शूटिंग की अनुमति दी। हालांकि सरकार ने बंदिश लगा दी है कि 65 साल से ज्यादा उम्र के एक्टर शूट नहीं करेंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को पलटते हुए बंदिश को हटा दिया है और अब 65 साल से ज्यादा के एक्टर भी शूटिंग कर सकते हैं। अब सरकार की अपने ही फैसलों पर किरकिरी होने पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि बाबू लोग आदेश जारी करते समय आगे पीछे सोचते क्यों नहीं है, कोर्ट को बीच में क्यों आना पड़ता है। निरुपम कांग्रेस के उन नेताओं में शामिल है जो हमेशा से कांग्रेस और शिवसेना गठबंधन के खिलाफ रहे हैं। कोरोना से लेकर दूसरे कई मुद्दों को लेकर निरुपम उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर भी निरुपम उद्धव सरकार और मुंबई पुलिस पर सवाल खड़े कर चुके हैं। हाल ही में जांच अधिकारी आईपीएस विनय तिवारी को जबरन क्वारंटीन करने को लेकर भी संजय निरुपम ने ट्वीट कर कहा कि लगता है बीएमसी और मुंबई पुलिस पगला गए हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि बिहार पुलिस को जांच में सहयोग नहीं करने पर लोग मुंबई पुलिस पर सवाल खड़ा करेंगे। हालांकि शिवसेना को निरुपम की बयानबाजी पसंद नहीं आती है। शिवसेना के नेता कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से संजय निरुपम को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं, जिसके बाद संजय निरुपम के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष एकनाथ गायकवाड़ ने पार्टी हाईकमान को एक रिपोर्ट भेजी है, लेकिन अभी तक निरुपम पर पार्टी ने कार्रवाई नहीं की है। उधर निरुपम भी शिवसेना पर हमला जारी रखे हुए हैं और एक बार फिर हाईकोर्ट के फैसले के बहाने निरुपम ने महागाड़ी सरकार की मौज ले ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।